दुनिया के सबसे प्रैक्टिकल और लॉजिकल ग्रंथ गीता और बुद्धिस्ट फिलॉसफीज, जो कि पूर्ण रूप से आज के इस दौर में भी हमें फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी से लेकर दुनिया भर के कई विषयों के बारे में सिखाते हैं, जिसे आज जाके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्चर्स ने भी सही माना है। वैसे ही एक थ्योरी है पुनर्जन्म की। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि धर्म की रक्षा और सृष्टि के कल्याण हेतु मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। वैसे ही गौतम बुद्ध ने बताया था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन दुखमय है। मृत्यु भी दुख का अंत नहीं बल्कि नए दुखों का आरंभ है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, ये सब सुनने में कई लोगों को इलॉजिकल लगेगा, लेकिन हमारी आज की इस कहानी से आपके सारे लॉजिक पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ हमारी इस पुनर्जन्म की खास डॉक्यूमेंट्री के साथ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम निपुण्वन्ति महात्मना संसिद्धिं परमान गताः। अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त कर अनित्य दुख के आले रूप पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। दोस्तों, हमारी आज की एक खास कहानी है शांति देवी की, ऐसी लेडी जिसने सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को सोच में डाल दिया। वो साल था 11 दिसंबर 1926, जब दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। कहने को तो 3 साल तक वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि वे जिस घर में रह रही हैं वो उनका असली घर नहीं है। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शांति देवी ने अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट लाइफ के हस्बैंड और बच्चे की बातें भी बताई। अब पास्ट लाइफ की बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इतना डीप अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए सुना है? शांति देवी का कहना था कि उनके हस्बैंड जो मथुरा में रहते हैं उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। वो अपने आप को चौबाइन मतलब चौबे जी की बीवी बताने लगी, और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई 4 साल का बच्चा आपको ऐसी बातें बोलेगा तो जनरली आप उसको इग्नोर करोगे। यही हुआ शांति देवी के साथ भी। लेकिन अगर बार बार कोई 4 साल की बच्ची आपको यही बातें बोलेगी तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाओगे? वो रोज अपने पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स बताते रहती। कभी खाना खाते समय वो कहती कि हमारे मथुरा वाले घर में अलग अलग तरह के स्वीट्स बनते, तो कभी उनकी मम्मी उनको कपड़े पहनाती तो वो अपने पास्ट लाइफ के फेवरेट ड्रेसेस की बातें करती। इतना ही नहीं उन्होंने अपने हस्बैंड के 3 यूनिक फीचर्स भी बताए। वो कहती कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड फेयर थे, उनके लेफ्ट गाल पे एक बड़ा सा स्पॉट था, वो चश्मा पहनते थे। दोस्तों, ये सब शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता था, पर उन्होंने जो आगे कहा वो और भी कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड की मथुरा में कपड़ों की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। करीब 2 सालों से वे ऐसी बातें कर रही थी जिसने उनके पेरेंट्स को भी चिंता में डाल दिया। वे कंफ्यूज थे कि एक छोटी बच्ची इतने डिटेल्स में स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में कैसे बता सकती थी। उनके स्कूल के हेडमास्टर ने सोचा कि वो मथुरा जाकर इसका सच पता करेंगे। एंड गेस व्हाट, मथुरा में उन्होंने एक व्यापारी को लोकेट किया जिसकी बीवी लुगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो 3 यूनिक फीचर्स थे जिसका क्लेम शांति देवी ने किया था। ये सारे फैक्ट्स अपनी आंखों के सामने देखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वे केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलवाने जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट था। केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी को मिलने गए, लेकिन हमारी शांति देवी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने केदारनाथ को ही नहीं बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। अपने पास्ट लाइफ हस्बैंड और बेटे को मिलने के बाद शांति देवी ने चाइल्ड बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक की सारी इंसिडेंट्स बहुत डिटेल में बताए। ये सारी बातें सुनकर
सभी लोग शॉक हो चुके थे कि इतनी छोटी लड़की इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज और प्रोसीजर्स को इतना डिटेल में कैसे बता सकती है। इसलिए कम्प्लीटली श्योर होने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले बात करने की सोची। अकेले में केदारनाथ ने शांति देवी को पूछा कि उनके लास्ट लाइफ में उनको अर्थराइटिस था, जिसकी वजह से उनका ज्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता था क्योंकि उनके जॉइंट्स काफी वीक हो चुके थे। तो इस डिजीज के होने के बाद भी वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, इस पर शांति देवी ने केदारनाथ और उनके बीच हुए पूरे इंटरकोर्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ से ये भी पूछा कि केदारनाथ ने दूसरी शादी क्यों की, जबकि केदारनाथ और शांति देवी ने ये डिसाइड किया था कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद केदारनाथ को भी पूरी तरह विश्वास हो गया कि शांति देवी ही उनकी लेट वाइफ लुगड़ी देवी है। शांति देवी की स्टोरी अब इतनी फेमस हो रही थी कि मीडिया और कई सारे रिसर्चर्स इसको कवर करना चाहते थे, और हो भी क्यों ना, ये 1930 का टाइम था when India was already fighting for freedom. ये सिर्फ इकलौती ऐसी एक न्यूज़ थी जो नेगेटिव नहीं थी amongst all the negative newses, और इसलिए ये खबर आग की तरह फैलने लगी और महात्मा गांधी के कानों पर पड़ी। बाकी लोगों की तरह इवन गांधी गॉट क्यूरियस टू मीट दिस लेडी। वो शांति देवी से मिले और उनसे बात करने के बाद उन्होंने एक 15 लोगों की कमिटी बनाई टू प्रूव दिस पुनर्जन्म की स्टोरी। इस 15 लोगों की कमिटी में काफी नेशनल लीडर्स, मीडिया पीपल और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। ये कहानी अब एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी और पूरा देश इस न्यूज को गौर से देख रहा था। ये 15 लोग 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा कि वे उनके जेठ जी थे। यहाँ तक कि शांति देवी जी ने खुद की मेमोरी से अपने घर तक का रास्ता बताया, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर क्या क्या नए चेंजेस आए थे। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ सच था। अपने घर पहुँचते ही उन्होंने भीड़ में एक बूढ़े आदमी के पैर छुए, और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शांति देवी जी का ससुर था। उन्होंने शांति देवी को टेस्ट करने के लिए उनसे पूछा कि इस घर में वॉशरूम कहाँ है, जिस पर शांति देवी ने वॉशरूम की ओर इशारा करते हुए उन्हें दिखाया। इसके साथ उन्होंने ये भी पूछा कि कटोरा का क्या मतलब होता है, जिस पर शांति देवी ने बताया कि कटोरा एक तरह का पराठा होता है। दोस्तों, कटोरा कोई मामूली वर्ड नहीं, क्योंकि ये शब्द सिर्फ मथुरा के चौसा फैमिली में यूज किया जाता था। इस घर में पहुँचने के बाद शांति देवी ने सिर्फ इतनी चीजें ही नहीं बताई, उनके पास लाइफ में वो जिस कुएं में नहाती थी कुएं के बारे में भी बताया, और इसी के साथ साथ उन्होंने इस कमिटी को सेकंड फ्लोर पर एक स्पॉट के बारे में बताया, एक ऐसा स्पॉट जहां शांति देवी ने कुछ पैसे रखे थे। जब वो कमिटी उस स्पॉट पर पहुंची तो वहां उनको एक फ्लावर पॉट जरूर दिखा, लेकिन वहां पैसे नहीं थे। यह देखकर शांति देवी काफी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने पैसे वहीं रखे थे। उन्होंने कमिटी को इंसिस्ट किया कि वे वहां पर ध्यान से पैसे को खोजें, और तभी केदारनाथ चौबे ने यह कन्फेस किया कि लुगड़ी देवी की डेथ के बाद उन्होंने वहां से सारे पैसे निकाल दिए थे। ऐसे शॉकिंग इवेंट्स अपनी आंखों के सामने विटनेस करने के बाद इस कमिटी ने यह कंक्लूजन निकाला कि शांति देवी के रूप में ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, इस कमिटी की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिलने लगा। कई पैरासाइकोलॉजिस्ट्स एंड स्कॉलर्स इस पर स्टडी करने लगे, और कई लोगों ने इसे सपोर्ट किया, और काफी सारे क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया। ऐसे ही एक रिसर्चर इयान स्टीवेंसन, जो वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटीज ऑफ रीइंकार्नेशन स्टडीज थे, उन्होंने कहा कि शांति देवी की कहानी बिल्कुल सच है, और इतनी डिटेल में ऐसी चीजों के बारे में बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक क्रिटिक स्टर लोनर स्ट्रैंड ने जब शांति देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने इसे फेक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि यस, दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली ट्रू, एंड दिस प्रूव्स द स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन, कि पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, आए दिन कई लोग हमारे सनातन धर्म की कहानियों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण हर युग में अवतरित होते हैं और अलग अलग युगों में इंसानों को सही रास्ता दिखाते हैं, लोग इस बात को इलॉजिकल कहते हैं। वैसे ही बुद्धिज्म में जब ये कहा जाता है हर जन्म के बाद
बुद्धिस्ट लामास का नया जन्म होता है और उनको लोकेट करके उस उपाधि से सराहा जाता है, तो उस पे भी कई लोग अपने लॉजिक के साथ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन आज की हमारी इस कहानी के बाद आपकी क्या राय है सनातन धर्म और बुद्धिज्म पुनर्जन्म की इन थ्योरीज पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ऐसी ही कई और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ज्ञान टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।